म्यूजिकल फेस्ट हमने ऑर्गेनाइज किया है। ये प्लेटफॉर्म देने के लिए किया है कश्मीर के इमर्जिंग जो सिंगिंग स्टार्स हैं, जिन्होंने अपने लिए नाम कमाया है और कश्मीर का नाम रोशन किया है। हम चाहते हैं कि उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले ताकि वो उनका जो हुनर है, उनकी जो कैपेबिलिटी है, वो सारी दुनिया देखे और ये आगे जाके अपने लिए और कश्मीर के लिए अपना नाम रोशन करें। फ्यूचर में सी देखो पूरा 80% जो आपको स्पेक्टेटर यहाँ नजर आए हैं वो सारे यूथ हैं, और अभी अगर मैं देखूं जो मौसम की बात करूं तो -60 की टेम्परेचर जा रहा है, उसके बावजूद भी कल और आज दोनों से पूरा यूथ ने आगे पार्टिसिपेट किया और जो इवेंट हमने उन्हीं के लिए ऑर्गेनाइज किया है उसको एंजॉय किया। वैसे यूथ पार्टिसिपेशन इज एक्सीलेंट। और नौजवानों से जो मिलिटेंट रास्ता इख्तियार करते हैं उनके लिए आपकी क्या मैसेज होगी आज के दिन के बाद? देखो नौजवानों के लिए हमने हमेशा से ये मैसेज दिया है, ज्वाइनिंग मिलिटेंसी इज नॉट द आंसर, दैट इज नॉट द ऑप्शन। वो सिर्फ एक बहकावे में आके हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का जो प्रोपेगंडा है उसमें आके कुछ लोग रास्ता भटकते हैं, लेकिन हमने उनको भी आश्वासन दिया है कि वो उस रास्ते को छोड़ें, नेशनल मेन स्ट्रीम को ज्वाइन करें और कश्मीर जो बदल रहा है उसकी तरक्की का हिस्सा बने। आफ्टर आर्टिकल 370 हैज बीन एब्रोगेटेड, आप सबको मालूम है कि जितने कदम लिए गए हैं वो सब पॉजिटिव डायरेक्शन में लिए गए हैं। डेवलपमेंट का जो एजेंडा है गवर्नमेंट का उसको आगे बढ़ाया गया है, ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन जो है उनको आगे बढ़ोतरी दी गई है, और अभी आपने देखा है कि रिसेंटली कल जो लास्ट फेज इलेक्शन का खत्म हुआ है, रिकॉर्ड वोटिंग हुई है जम्मू एंड कश्मीर में और लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, पूरे पीसफुल इलेक्शन हुए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस डेवलपमेंट एजेंडा के लिए लोगों ने वोट किया है, जो आने वाले समय में जो कैंडिडेट्स उन्होंने इलेक्ट किए हैं वो खड़े उतरेंगे और डेवलपमेंट का हिस्सा बनेंगे।